अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे कहता है फाइंड dy वाई अपॉन डी एक्स ऑफ दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना होता है, यानी x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, और इसको 3 को ऐसे लिख लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स ही आता है, साइन का डिफरेंशियल होता है cos x। यहाँ तक ठीक है, अब यहाँ पे हमें dy वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये तो हो जाएगा 3 dy वाई अपॉन डी एक्स और ये cos x, ये जो 2 था ना, 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, dy वाई अपॉन डी एक्स, 3 इसके मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो cos x माइनस 2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin y। तो इसका हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना है, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना है, तो इसका डिफरेंशियल देखो, ये आ जाएगा d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 3y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। यहां तक आ गए, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंशियल कर देंगे। देखो कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट पहले आ जाता है, और कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स, उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 पहले, और इधर क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस और ये वाई, फिर इस वाई का डिफरेंशियल आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे इस 2 को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से dy अपॉन dx बाहर लिख लेंगे, तो क्या बचेगा cos y माइनस 3। ठीक है, और यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो 2 अपॉन cos y माइनस 3, ये हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ द ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। इसका हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो पहले आ जाता है, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, पहले तो हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, ये होता है 2x, फिर x का डिफरेंशियल करते हैं तो dx अपॉन dx, ये आ जाता है 2x। अब सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y, फिर y का डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, सेम यहाँ पे cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। ठीक है, अब dy अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, बाकी उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे,
ये हो जाएगा 2 by dy/dx प्लस sin y dy/dx। इसको जब उधर ले जाएंगे तो a इंटू वन यानी a आएगा और a उधर जाएगा तो ये माइनस का a हो जाएगा। यहाँ से अगर हम dy/dx निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a। यहाँ पे क्या बचेगा, 2by+sin y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का हमें dy/dx फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे d/dx(xy) प्लस d/dx(y²) इज इक्वल टू d/dx(tan x) प्लस d/dx(y), ठीक है। अब यहाँ पे दो दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, या u v करके भी बोलते हैं, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x dy/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी d/dx(x) प्लस इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2y dy/dx, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, sec²x प्लस ये आ जाएगा dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे dy/dx वाले टर्म हम एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे dy/dx ये है और ये है, तो इनको हम एक तरफ ले आते हैं। तो x dy/dx प्लस 2y dy/dx, ये इधर आएगा माइनस का dy/dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पे dx/dx ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, तो y उधर जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, sec²x - y, ठीक है। अब इन तीनों में से हम dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा dy/dx, क्या बचेगा, x प्लस 2y - 1 इज इक्वल टू sec²x - y। dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, sec²x - y अपॉन x+2y - 1, और यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें dy/dx फाइंड करना है, तो इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हो जाएगा d/dx(x²) प्लस d/dx(xy) प्लस d/dx(y²) इज इक्वल टू 100 dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये x² है, x² का डिफरेंशियल होता है 2x प्लस, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस ये y², इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2y, और फिर y का डिफरेंशियल dy/dx। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो ये 2x बचेगा, और यहाँ पे dy/dx है, ये dy/dx है, ये बचेगा y, dy/dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x+2y इज इक्वल टू 0। तो dy/dx अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इस पूरे टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x+y, और ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा x+2y, तो ये हमारा डिफरेंशियल आ गया, यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दे रखा है, डीवाई अपॉन डीएक्स फाइंड करना है हमें इस फंक्शन का। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले ये फंक्शन लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 81। तो अब यहां पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर प्लस, यहां पे फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस यहां पे भी फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो y क्यूब है तो इसको हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, फिर y का डिफरेंशियल करेंगे तो ये dy अपॉन dx आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। ठीक है, अब यहां पे फिर से एक बार लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये है हमारा dy अपॉन dx प्लस वाई, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा x 2y और फिर y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर dx अपॉन dx का डिफरेंशियल 1, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो अब जिनके पास dy अपॉन dx है उनको इधर ही रखेंगे और बाकी को राइट साइड में भेज देंगे। तो ये इसमें dy अपॉन dx है, यहाँ dy अपॉन dx है, यहाँ पे है, तो इसमें से हम dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 2xy, यहाँ पे बचेगा 3y स्क्वायर। ठीक है, बाकी को उधर ले जाएंगे तो ये इधर आएगा माइनस के साथ 3x स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2xy और ये आएगा प्लस y स्क्वायर। यहां से अगर हम dy अपॉन dx देखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा और यही हमें फाइंड भी करना था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू कप्पा, ये हमारा एक सिंबल है। अब यहां पे हमें डिफरेंशियल करना है, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ये कप्पा। अब यहां पे इसका डिफरेंशियल क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई का, तो जहन में हमारे रहता है ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वो क्या होता है 2x। ठीक है, फिर साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस वाई, फिर वाई का डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन dx, तो जो चीज दिखती जाएगी हम उसका डिफरेंशियल करते जाएंगे। अब यहां पे देखो कॉस का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स वाई, अब एक्स वाई का डिफरेंशियल तो इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, और इधर जो है चूंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहां पे टू साइन वाई कॉस वाई ये किसके इक्वल होता है, साइन टू वाई के इक्वल होता है, तो ये तो हमारा हो जाएगा साइन टू वाई dy अपॉन dx,
यहां पे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का साइन एक्स वाई, और साथ में इस एक्स को यहां पे लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई साइन एक्स वाई और डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी कि वन, ये आ जाएगा जीरो के इक्वल। ठीक है, अब यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। अब यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे वाई साइन एक्स वाई अपॉन में, ये जो बचा है इसको लिख लेंगे साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। तो इसका हमें डिफरेंशियल फाइंड करना। अच्छा ये चीज है, इन जनरल ऐसा नहीं होता है, इन जनरल जो हमारा होता है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह एंगल सेम होता है लेकिन यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, तो ये मत समझना कि ये और ये एक ही चीज है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वन। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स, और फिर साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशियल वन प्लस। यहाँ पे पहले तो हम इसको जहन में एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है टू एक्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू कॉस वाई, फिर कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो ये माइनस का साइन वाई। ठीक है, उसके बाद में वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस, प्लस क्यों माइनस आ जाएगा, माइनस का टू साइन वाई कॉस वाई, ये साइन टू वाई के इक्वल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई, ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन टू थीटा का जो है फार्मूला है टेन में। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स की वैल्यू हम टेन थीटा रख लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे अगर हमने एक्स को टेन थीटा लिया है तो थीटा तो हमने माना है, तो जो चीज हम खुद मानेंगे उसको तो हटाना पड़ेगा बाद में, तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी टेन इनवर्स एक्स, ये इंप्लाई करेगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन टू थीटा, और ये इंप्लाई करेगा टू थीटा, ये हो जाएगा टू थीटा की वैल्यू है हमारी टेन इनवर्स एक्स, तो वाई की वैल्यू आ गई टू टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स डी अपॉन डी एक्स
टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है टू, ये टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ दी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला है ये हमारा होता है टेन थ्री थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा थ्री थीटा। अब यहाँ पे हमने एक्स को टेन थीटा माना है, तो यहाँ से अगर हम थीटा देखेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये इंप्लाई करेगा वाई इज इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे y हमारा दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स, और ये जो है ये हमारा होता है फार्मूला कॉस टू थीटा का, ये आ जाएगा टू थीटा, और थीटा जो है वो हमारा है टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू हमने टेन इनवर्स एक्स रख दी, तो वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स टेन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इंप्लाई करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एक्स को मान लेंगे टेन थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो वाई हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स, और ये हमारा होता है कॉस टू थीटा, यहाँ तक आ गए। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो वही हमने इसको लिख लिया। अब ये आ जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और थीटा हमारा क्या है पाई बाई टू माइनस टू थीटा, जो है वो है हमारा टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स पाई बाई टू माइनस टू टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो होता है जीरो माइनस टू, इसका डिफरेंशियल होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस का टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है
y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे हम x की जगह पर टेन थीटा पुट करेंगे, तो थीटा हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो y आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये जो होता है ये हमारा होता है साइन 2 थीटा। कॉस इनवर्स साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे पाई बाई 2 को ऐसे लिख लो 2, थीटा की जगह पर हम रख देंगे टेन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स d अपॉन dx टेन इनवर्स x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 माइनस 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से दे रखा है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे माइनस है बीच में, तो अगर हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमें इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो या तो हम साइन थीटा रखेंगे या फिर हम कॉस थीटा रखेंगे, तो दोनों में से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो पहले हम x इज इक्वल टू साइन थीटा रख लेते हैं, तो ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो x की वैल्यू जब साइन थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये कॉस थीटा बचेगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स और ये होता है साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा 2 थीटा। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2 थीटा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो है तुम्हारी साइन इनवर्स x। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy अपॉन dx और 2 ऐसे ही आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये दे रखा है y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे हम x की वैल्यू रख लेंगे cos थीटा। अब ये कैसे पता चलता है कि हम cos थीटा ही रखेंगे, ऐसे देखो, अगर यहां पे हम x की वैल्यू sin रखेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा, अगर हम यहाँ पे 10 रखेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अगर हम x की वैल्यू cos रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमें जो है वो cos 2 थीटा दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सोच के रखते हैं यहाँ पे, तो ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल टू sec, और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगी cos इनवर्स x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec इनवर्स 1 अपॉन ये जो होता है ये होता है cos 2 थीटा, sec इनवर्स और 1 अपॉन cos क्या होता है sec 2 थीटा, ये आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 2 cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंप्लाई करेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।